नमस्कार साथियों, मैं लखन शर्मा और स्वागत करता हूं आपका फिर एक बार मेरे YouTube चैनल टेक्निकल टीचर पर। साथियों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे RGHS कार्ड में अगर आपके मोबाइल नंबर आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं तो उसका क्या कारण है और किस प्रकार से आप अपने मोबाइल नंबर को अपने RGHS कार्ड में अपडेट या ऐड कर सकते हैं। इसकी संपूर्ण जानकारी की चर्चा इस वीडियो में मैं आपके साथ करने वाला हूं। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें टेक्निकल टीचर को समस्त तकनीकी जानकारी के लिए और बेल आइकन में ऑल बटन को प्रेस करें जिससे आने वाली हर एक नई वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। साथियों, RGHS के कार्ड में हमारे मोबाइल नंबर का नहीं दिखाई देने के कई कारण हो सकते हैं। सर्वप्रथम, अगर आपने अपना RGHS का पंजीयन हाल ही में किया है, आपने अपने पंजीयन को किए हुए 2 से कम दिन हुए हैं, तो हो सकता है कि आपको अपने मोबाइल नंबर की जगह पर NA लिखा हुआ दिखाई दे। अगर आपने अपने RGHS पंजीयन को किए हुए काफी टाइम हो गया है फिर भी आपके RGHS कार्ड में मोबाइल नंबर कर्मचारी के डिटेल में दिखाई नहीं दे रहे हैं तो उस स्थिति में आप एक बार चेक कर लें कि अपने जन आधार कार्ड में एम्प्लॉई का जो नाम है उसकी जो डिटेल है उसके साथ कोई मोबाइल नंबर अपडेट है अथवा नहीं। अगर मोबाइल नंबर कर्मचारी के स्थान पर मुखिया के नाम के साथ अपडेट है तो इससे तात्पर्य है कि मुखिया के नाम में मोबाइल नंबर का अपडेट होना और कर्मचारी के नाम या उसकी जो डिटेल है उसके साथ मोबाइल नंबर का अपडेट नहीं होना। इस स्थिति में भी आपके RGHS कार्ड में जो कर्मचारी है उसके मोबाइल नंबर वहां पर अपडेट नहीं होंगे क्योंकि हमारे RGHS के कार्ड में RGHS का जो रजिस्ट्रेशन है उसमें संपूर्ण जो जानकारी है उसको हमारे जन आधार से सीधा लिया गया है। अब साथियों, जन आधार कार्ड में जो कर्मचारी है उसके अगर विवरण में मोबाइल नंबर हमने पहले से अपडेट नहीं किया हुआ है तो हमें RGHS के कार्ड में मोबाइल नंबर कभी भी दिखाई नहीं देगा। अगर आप अपने जन आधार में कर्मचारी के विवरण में मोबाइल नंबर अपडेट या ऐड कर लेते हैं तो आपके RGHS कार्ड में वो जो डिटेल है मोबाइल नंबर की वो आपके 2 से 3 दिन में अपडेट हो जाएगी। अगर 2 से 3 दिन के बाद में भी आपके RGHS के कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं होते हैं तो आपको इस स्थिति में 181 पर कॉल करके RGHS का विकल्प चुनते हुए अपनी संपूर्ण जानकारियां बताते हुए आपको अपने RGHS कार्ड में कॉल सेंटर पर पूछी गई जानकारी को बताते हुए अपने मोबाइल नंबर को अपडेट के लिए उन्हें कहना है। उनके द्वारा आपके जन आधार में जो आपने मोबाइल नंबर कर्मचारी के विवरण में अपडेट किया है उसको आपके RGHS का रजिस्ट्रेशन में अपडेट कर दिया जाएगा। तत्पश्चात साथियों, आप अपना नया RGHS का कार्ड जब डाउनलोड करेंगे तो उसमें आपके मोबाइल नंबर आपको दिखाई देंगे और इस परिस्थिति में ही आप TID नंबर जनरेट कर पाएंगे और उस TID नंबर का मैसेज कर्मचारी के विवरण में जो मोबाइल नंबर ऐड होगा उसी पर आ पाएगा। अभी हाल ही में RGHS में बिना मोबाइल नंबर के दवाइयां लेने में या फिर हमें हॉस्पिटल में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस परिस्थिति से निजात पाने के लिए हमें हमारे जन आधार कार्ड में कर्मचारी के विवरण में मोबाइल नंबर को सबसे पहले अपडेट करवाना है, उसके बाद में 181 पर कॉल करके हमारे RGHS कार्ड को हमें अपडेट करवाना है। अब साथियों, अगर आप ई-मित्र की सहायता से अपने मोबाइल नंबर को अपडेट करवाना चाहते हैं तो आप ई-मित्र से करवाएं, अन्यथा आप अगर चाहते हैं कि आप घर बैठे बिना ई-मित्र से अपने जन आधार कार्ड में अपने मोबाइल नंबर को ऐड या अपडेट करना चाहते हैं तो इसके भी अलग से वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएगी, आप उसकी सहायता ले सकते हैं। इसके अलावा आप अपने नजदीकी क्षेत्र में अभी हाल ही में चयनित हुए मेडिकल स्टोर हॉस्पिटल्स की सूची जानना चाहते हैं तो इसकी वीडियो भी चैनल पर उपलब्ध है। अगर आप अपने RGHS कार्ड की OPD की जो 20,000 लिमिट या फिर अनलिमिटेड जो लिमिट है और आपके IPD की जो लिमिट है इसकी आप जानकारी चाहते हैं तो इसके भी साथियों अलग से वीडियो चैनल पर उपलब्ध है, आप उन वीडियोज की सहायता ले सकते हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने सभी साथियों के साथ शेयर करें और साथियों, अगर आपको टेक्निकल टीचर चैनल पर दी जाने वाली जानकारी पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन में ऑल को सेलेक्ट कर लें जिससे कि जब भी कोई नई वीडियो चैनल पर अपलोड हो उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। फिर मिलते हैं ऐसे किसी महत्वपूर्ण वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय मां भारती।